हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय भंडारी। आज हम एक ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो इंट्राडे में काफ़ी यूज़ किया जाता है और उसकी जो एक्यूरेसी है काफ़ी हद तक सही रहती है। ठीक है, 100% कोई भी इंडिकेटर की एक्यूरेसी सही नहीं रहती है, लेकिन जो आज जो इंडिकेटर के बारे में आपको बताऊँगा उसकी एक्यूरेसी 70-80% तक एक्यूरेट बैठ जाता हो। ओके, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी, इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अभी हम चलते हैं इन्वेस्टिंग की साइट में। ये काफ़ी अच्छी साइट है जिसमें आपको चार्ट्स के बारे में काफ़ी चार्ट्स काफ़ी पैटर्न लगा सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, चार्ट में जाना है, लाइव चार्ट में जाइए। लाइव चार्ट में जाएंगे तो ये आपका थोड़ा नेट स्लो है, आप जुड़े रहिए। लेकिन देखिए, इस तरह से चार्ट ओपन हो जाएगा। अब ये यूएसडी आइनर का चार्ट है, पहले हम इसे बड़ा कर लेंगे थोड़ा स्क्रीन इसकी। ओके, ये यूएसडी आइनर का चार्ट है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एनएससी में। एनएससी का चार्ट देखना है हमें, निफ्टी का। ये देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट आ गया है। तो इसमें हम इंट्राडे इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, इंट्राडे में ही वो इंडिकेटर वर्क करता है, डेली चार्ट पे वर्क नहीं करता है। इंट्राडे के हिसाब से जितना शॉर्ट पीरियड लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अभी हम पहले 15 मिनट्स में देखेंगे वो इंडिकेटर। ये देखिए, 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट है। आपको क्या करना है, इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ जाना है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, फिर यहाँ डालेंगे वी वैप। ये देखिए, अब ये इंडिकेटर लग गया वी वैप। अब ये वी वैप होता क्या है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये जो इंडिकेटर रहता है ये है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। ये किस हिसाब से चलता है, ये जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से हमें एवरेज रेट देता है, एवरेज प्राइस देता है। कोई भी स्टॉक्स का हो, इंडेक्स का हो, वो हमें एक एवरेज प्राइस देता है वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इस पर काम करना होता है। थोड़ा सा इसे हम इंडिकेटर को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, समझने के लिए इजी रहेगा। ये देखिए, 15 मिनट्स है, 15 मिनट के चार्ट पे है इंडिकेटर। आप इसे 15 मिनट के चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं और शॉर्ट पीरियड में आएंगे, जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी ट्रेड लेना पसंद करते हैं, तो और शॉर्ट पीरियड में अगर हम आते हैं तो इसे हम 5 मिनट्स के चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, अब ये 5 मिनट्स के चार्ट पे है, वी वैप बोलते हैं इसे। अब इसका यूज़ कैसे लेना है इसे समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, पूरा क्लियर समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ गलत से ना हो जाए, इसलिए आप पूरा क्लियर समझ के लीजिएगा। देखिए, अभी आज जो है, आज 2 जुलाई है, आज निफ्टी ने ये कैंडल बनाया, जिस इस कैंडल का हाई है 11,845। ये देखिए, ऊपर यहाँ पर रेट्स आएंगे, ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पर रेट बताएगा कैंडल का, पूरे कैंडल का। ये एक कैंडल बनाया निफ्टी ने 12:55 पे, इसका हाई है 845 का हाई है, और जो लो है वो है आपका, नहीं सॉरी, 845 का लो है, हाई 851 का, ओपन हुआ है 849 पे और क्लोजिंग है 845.50। ये इसकी क्लोजिंग है। अभी ये जो चार्ट है, ये जो लाइन है, ये वी वैप की लाइन है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, आप इंट्राडे, लेकिन इंट्राडे ट्रेड के लिए है। ये कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ है यहाँ पर, इसके बाद आपको जो ट्रेड लेना है वो लेना है यहाँ पर, जब ये कैंडल का जो हाई है 851 का, 11,851 का जो हाई है, ये जब हाई कटा तब आपको ट्रेड लेना है।
और ट्रेड लेने के बाद अब इसके बाद ये सेकंड कैंडल में इसके हाई निकल गया तो आपको ट्रेड ले लेना है 851 के ऊपर। आपने ट्रेड तो ले लिया, अब इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा आप ये समझिए, स्टॉप लॉस समझना बहुत जरूरी है। 851 के ऊपर आपने ट्रेड लिया, अब स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस कैंडल का लो मतलब 845.50 का लो जो है इसका स्टॉप लॉस आपको पकड़ना है। कितना स्टॉप लॉस 845.50, बिल्कुल सिंपल है, 845.50 का स्टॉप लॉस और 851 के ऊपर इसका ये कैंडल अगर 851 के ऊपर निकलता है तो बाय करना है। देखिए यहाँ पर आपने बाय करा तो कितनी स्पीड से इसने काम करा है वी वेब ने, यहाँ पर निफ्टी काफ़ी तेजी ऊपर निकल गया। देखिए अभी ये जो कैंडल था कहाँ कितने बजे का है, 1 बजे का, और 1 बजे के बाद से इसने निफ्टी ने अभी ये 2:40 पर 895 लगा दिया है। ये कैंडल, ये जो इंडिकेटर है वी वेब, ये केवल बाइंग में ही नहीं सेलिंग में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये बाइंग में काम देखा आपने इसका, अब सेलिंग का समझिए। सेलिंग में ये देखिए ये है आज, ये आज का ही है सुबह 9:00, ये देखिए सुबह ओपन हुआ मार्केट तो इसने यहाँ पर ये क्या है आपका 9:20, हाँ तो सुबह सुबह तो एकदम ट्रेड कोई नहीं लेता, थोड़ा बुक के 9:20 के बाद आपने सपोज यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसने इसके नीचे लेके आया, यहाँ पर ये कैंडल आप पकड़िए 9:35 वाला, इसमें ये नीचे लेके आया है, इस कैंडल का लो है 868 का लो लगाया कैंडल ने और हाई है, हाई ऊपर देखिए ऊपर 883.30 का हाई है और 868.50 का इसका लो है। तो जब ये लो नीचे काटेगा तब आपको शॉर्ट करना है। ये देखिए नेक्स्ट कैंडल में इसने लो काटा, यहाँ पर आपने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट जो किया करा है वो करा है 868.50 में। लो जब काटेगा तब शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के लिए लो काटेगा तब शॉर्ट करना है, जैसे बाय करने के लिए हाई जब काटा था तब बाय करा था, ऐसे ही शॉर्ट करने के लिए लो जब काटेगा तब आपको। देखिए नीचे नेक्स्ट कैंडल में इसने लो काट दिया, इसका 868 का लो था, यहाँ पर इसका लो है 864 का, लो काट दिया, यहाँ पर अपने शॉर्ट कर दिया। इसका जो स्टॉप लॉस रखना है वो इस कैंडल का हाई, तो इस कैंडल का हाई है 883 का, ये स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और यहाँ से इसने जो मूवमेंट दिया नीचे की तरफ वो बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है, नीचे में आया है पूरा 821 तक, 819 तक आया है नीचे। तो देखिए वी वेब जो है इतना अच्छा काम करता है इंटर ट्रेडर के लिए, लेकिन आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है आपको जो चार्ट लगाना है वो 1 आवर 1 डे ये सब नहीं लगाना है, केवल 5 मिनट का चार्ट लगाइए तो उसमें काफ़ी अच्छा ये मूवमेंट देता है, काफ़ी अच्छा काम करके देता है। इस पर आप 15 मिनट पर भी काम कर सकते हैं लेकिन 15 मिनट में इतना अच्छा नहीं होता, जो 5 मिनट के चार्ट पर जो काम होगा वो 15 मिनट में नहीं होगा। तो वी वेब का जैसे आपको वी वेब से समझ में आ रहा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस उसके अकॉर्डिंग, अभी यही हम पीछे भी देख लेते हैं पीछे इसने कैसे काम किया है। ये देखिए यहाँ पर इसने शॉर्ट बनाया लेकिन ये कैंडल ने लो नहीं मारा, इसे शॉर्ट नहीं कर सकते इसे, ओके उसके नेक्स्ट कैंडल लो मारना चाहिए, ये मारा है, उसके बाद बाइंग का जो सिग्नल दिया है तो देखिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये वी वेब काम करता है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, छोटा ही रहने चाहता हूँ। आप खुद इसे एक्स का एग्जांपल देखिए, स्टॉक्स में भी आप इसे आजमा सकते हैं पूरा किस तरह से कैसे काम करता है। और एक मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा ब्लॉग है vinaybhandari.blogspot.com, इसमें आपको न्यूज़ सब आते रहते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं पूरा न्यूज़ ओपन होता है। आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका। ऑप्शंस की स्ट्रेटजी सारी पूरी 30 स्ट्रेटजी मैंने यहाँ डाल रखी है, इस पर क्लिक करके आप पूरी स्ट्रेटजी पढ़ सकते हैं। आप हमारे को फॉलो करना चाहते हैं यहाँ पे मेल आईडी डाल के सबमिट करके हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम चैनल है, ये हेजिंग कैलसी है और नीचे कुछ वेबसाइट्स दी गई हैं जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं सारी वेबसाइट, यहाँ इन्वेस्टिंग भी है, ये सब वेबसाइट्स मैं यूज़ करता हूँ, इनका आप यूज़ लेके अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि
आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके ही करिए। ओके, ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हेजिंग एंड स्ट्रेटजीज, vinaybhandari1.blogspot.com ये हमारा ब्लॉग है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी डिस्क्लेमर, चैनल पॉइंट व्यूज एंड ओपिनियन आर एजुकेशन पर्पस ओनली, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस विद दिस चैनल सजेशंस। ओनर ऑफ दिस चैनल इज नॉट सेबी रजिस्टर्ड, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशंस। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।